आज शिक्षक दिवस है और उसी को मनाने के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए। शिक्षक आखिर क्या? शिक्षक का मतलब होता है जो ऐसा गुरु मार्गदर्शक जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। ठीक है, देखो कहा गया है, आपको दो शब्दों से, दो चंद लाइनों से शुरू करते हैं कि अंधेरों और उजालों में सदा द्वंद्व होता है। बुद्धि से कोई बालक चेतन तो कोई मंद होता है। गुरु की छत्र छाया में एक, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, हाँ, जमाने से बच करके गुरु की छाव में रहना तुम, क्योंकि गुरु की छत्र छाया में सदा आनंद होता है। ठीक है, तो कहते हैं कि गुरु एक ऐसा व्यक्ति होता है जो समाज को सुधारने का काम करता है। ठीक है, एक डॉक्टर है या फिर कोई वकील है, तो ये सब अपने पेशे से काम करते हैं, लेकिन गुरु क्या है? गुरु एक ऐसा वर्ड है जो हम कहते हैं कि जो समाज को बनाता है, एक समाज का निर्माण करता है। अब बात करते हैं कि समाज निर्माण में हम बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये एक ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने अपनी शिक्षा, यानी कि इनके जन्म को ही हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते क्यों हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनका नाम क्या है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। इनके नाम से भी एक कहानी जुड़ी हुई है। आप तो कोई बात बता दे कि ये जो नाम इनका दिया गया है, नाम इनका सर्वपल्ली क्यों रखा गया? बच्चों, सर्वपल्ली इनके गांव का नाम था। आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताएंगे, आपको मालूम होना चाहिए कि सर्वपल्ली इनके गांव का नाम था। इनके जो पूर्वज रहते थे वो सर्वपल्ली गाँव में रहते थे, तो इसीलिए इनने अपना नाम क्या रख लिया? सर्वपल्ली राधा कृष्णन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था? 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था, सबको मालूम है। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 17 अप्रैल 1975 को। ठीक है, इनके फादर का नाम क्या था? इनके फादर का नाम था वीरा स्वामी और माता का नाम क्या था? सीताम्मा माता। डॉक्टर सर्वपल्ली अपने परिवार में ये पांच पुत्र थे, यानी कि वीरा स्वामी जो थे इनके पांच पुत्र थे, और पांच पुत्रों में जो हमारे राधा कृष्णन हैं ये दूसरे नंबर पे आते थे। ठीक है, इनके परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, तो और इनके पिता कहाँ काम करते थे? एक राजस्व विभाग में काम करते थे। राजस्व विभाग जानते हो ना, जो टैक्स वगैरह कर वगैरह विभाग होता है। तो कहते हैं कि इनकी जो स्कूलिंग हुई वो क्रिश्चियन स्कूल से हुई, और इन्होंने क्रिश्चियन यानी बाइबल का पूरा नॉलेज इनको हुआ। ऐसा माना जाता था उस समय, तत्कालीन समय में, कि जो हिंदुत्व है, यानी कि जो क्रिश्चियन में थोड़ी सी ये मानते थे कि हिंदुत्व को उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, तो इनको भी उतना ज़्यादा महत्व नहीं मिला। तो कहते हैं कि इन्होंने हिंदुत्व का भी ज्ञान किया, माने कि इन्होंने जो अपनी पढ़ाई की, अगर हम बात करें तो इन्होंने एमए किया। किस विषय पे किया? दर्शन शास्त्र।